हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी डीवी की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट्स के माइंड में एलपीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा एलपीटी होगा, वैसा एलपीटी होगा। तो स्टूडेंट्स की क्यूरीज यही है कि सर, रीडिंग और राइटिंग का तो हो गया, लेकिन स्पोकन का नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अगर वहाँ पर आपसे बोला नहीं गया, बुलवा कर आपको चेक किया जाएगा, अगर वहाँ पर आप नहीं बोल पाए तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखो, मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मोस्टली सभी को पता होता है, बैंक वालों को भी पता है कि स्पोकन इतना इजी नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो कम से कम 6 महीने या 1 साल स्पोकन में लग जाता है, अगर अपने बात करें नॉर्मल कैंडिडेट की। तो ये बैंक वालों को भी पता है, तो स्पोकन का कोई सीन नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे ओनली आपकी रीडिंग और राइटिंग ही चेक की जाएगी। ये सभी को पता है, जब आप लोकेलिटी में वहाँ पे वर्क करोगे, जॉब करोगे, तब जाकर आपकी स्पोकन बनेगी धीरे धीरे। तो वहाँ पे स्पोकन का कोई भी सीन नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड डाउट आता है कि सर, रीडिंग राइटिंग का वैसे हो तो गया, लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाहता है। हमें नॉर्मल जो अल्फाबेट्स वगैरह उसकी फॉर्म में हमें पता चल गया कि है ना, लिखा हुआ है, वो हम पढ़ लेंगे और लिख भी देंगे, लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ क्या है। तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैराग्राफ आएगा और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन आपको पैराग्राफ में मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, उस जैसी लाइन आपको जहाँ पे मिले उसको वहाँ से उठाकर अपने आंसर की में लिख देना, मतलब पूरी तरह से उसको छापना है और कुछ भी नहीं करना। तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो डीवी जो आपका एलपीटी राउंड है वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको रीडिंग या राइटिंग का थोड़ा पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं और उसको पढ़ा कैसे जाता है। क्लियर है? उसके बाद एक और डाउट आता है कि सर, डीवी और एलपीटी साथ ही होगा क्या? तो मोस्टली डीवी और एलपीटी साथ ही होगा। पहले आपका डीवी होता है, उसी के साथ में आपका एलपीटी हो जाता है। 1 आवर का टाइम आपको मिलता है, उसमें पैराग्राफ आता है और अराउंड 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं अगर आपको बोलूं तो आपको एलपीटी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स आपको सेलेक्ट किया गया है वैकेंसीज पे, उतनों का ही एलपीटी होता है, उससे अलग सेलेक्ट नहीं किया जाता है, जैसे 2 गुना 3 गुना। ये भी एक डाउट रहता है कि एलपीटी राउंड में कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फाइनल कितनों को किया जाता है। तो जो फाइनल होते हैं ना, उन्हीं का एलपीटी होता है। जो आपकी डीवी कॉल आ गई, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, एलपीटी राउंड तो आपकी बस चेकिंग है और कुछ भी नहीं है। तो जितने कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्ट किए हैं उन सभी का एलपीटी होता है, उनके अलावा किसी का एलपीटी नहीं होता, उसके बाद में कोई आपको अलग से सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो चुका है एलपीटी में, आपको रीडिंग और राइटिंग आपकी क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोग कुछ भी बोले, आपको उन पर ध्यान नहीं देना, लोगों का काम है आपको भटकाना, ठीक है? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार आपको और थोड़े डाउट हो तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस बैच के बाद ये गारंटी है आपकी जो इंग्लिश है वो लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स? 0 to Advanced English, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश करवाई जाएगी। एडिटोरियल एक्सपेरिमेंट, एडिटोरियल के एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, जिसमें एडिटोरियल से कैसे इंग्लिश बनाते हैं वो सिखाया जाएगा, और एडिटोरियल से क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एग्जामिनर तैयार किया करता है आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। मतलब एग्जामिनर लेवल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो स्टूडेंट लेवल तो बहुत नीचे रह जाएगा, तो श्योर सिलेक्शन है। पैटर्न हैंडलिंग करवाई जाएगी, वेरियस पैटर्न, नए नए जो पैटर्न आते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जाएंगे और बीच बीच में आपके डाउट सेशंस भी चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी वॉइस चैट की फॉर्म में आपके डाउट सेशन चलेंगे और क्विजेस वगैरह भी वहां पे अपलोड की जाएगी।